हमें इस बात को आगे ले जाना है। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जाप करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करें तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो, ये सारे जब सपने देखते हैं, हमारे समुद्री संपत्ति ब्लू इकोनॉमी इस क्षेत्र को हम बल दें, हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को हम ताकत दें, हमारा किसान अन्नदाता है, ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बने, दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे, इन सपनों को लेकर के हम चलना चाहते हैं। हमारे देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना ही होगा। हम सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान को बाजार बना करके देखें, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है, छोटे छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमने इस सामर्थ्य को समझना है, इस सामर्थ्य को हमने चैनलाइज करना है और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। हर जिले का अपना हैंडीक्राफ्ट है, हर जिले के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं। अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के पास अगर बर्तन मशहूर है उसके तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है। हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्य है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, और इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और उस ताकत को हमने बढ़ाना है। हमारा देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से जितनी तेजी से हमने वो करना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं। आइए हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के टूरिज्म को बल देना है। क्या हम उस काम के लिए, टूरिस्ट जब बढ़ता है कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बल मिलता है और दुनिया भर के लोग आज भारत को नए सिरे से देखने के लिए तैयार है। हम सोचें कि दुनिया हमारे देश कैसे आए, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र को कैसे बल मिले और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की व्यवस्था हो, सामान्य मानवीय की आबादी बढ़ाने की बात हो, बेहतर शिक्षा नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो, मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर सपनों को साकार करने के लिए ऊंची उड़ान के लिए सारे लॉन्चिंग पैड उनको लिए अवेलेबल होने चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर सरंजाम हो, वो भी देश में बिना बना हुआ हो, तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत को एक नई शक्ति दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज देश में आर्थिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही सानुकूल वातावरण है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबल होती है, व्यवस्थाएं स्टेबल होती हैं, तो दुनिया का भी एक भरोसा बनता है। देश की जनता ने यह काम करके दिखाया है, विश्व भी भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बड़े गर्व और आदर के साथ देख रहा है। हमने इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। आज व्यापार करने के लिए विश्व हमारे साथ उत्सुक है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है।
आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए हम विकास दर को बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण समीकरण में को लेकर के चले हैं। कभी विकास दर तो बढ़ जाता है लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं रहती, कभी महंगाई बढ़ जाती है तो विकास दर का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसने महंगाई को कंट्रोल भी किया और विकास दर को आगे भी बढ़ाया। हमारे अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है, और ये मजबूती हमें आगे ले जाने के लिए भरोसा देती है। उसी प्रकार से जीएसटी जैसा व्यवस्था विकसित करना, आईबीसी जैसे रिफॉर्म लाना, ये अपने आप में एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं। हमारे देश में उत्पादन बढ़े, हमारी प्राकृतिक संपदा का प्रोसेसिंग बढ़े, वैल्यूएडिशन हो, वैल्यूएडेड चीजें दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो और दुनिया के अनेक देशों तक हम क्यों न सपना देखें कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई चीज भारत से जाती ना होगी, हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से कुछ न कुछ एक्सपोर्ट ना होता हो। अगर इस दोनों चीजों को लेकर के हम चले तो हम आबादी बढ़ा सकते हैं। हमारी कंपनियां, हमारे उद्यमी, वे भी दुनिया के बाजार में जाने के सपने देखें, दुनिया के बाजार में जाकर के भारत के रुतबा को वहां आवाज देने की ताकत दे। हमारे निवेशक ज्यादा कमाएं, हमारे निवेशक ज्यादा निवेश करें, हमारे निवेशक ज्यादा रोजगार पैदा करें, इसको प्रोत्साहन देने के लिए हम पूरी तरह से आगे आने को तैयार हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी गलत मान्यताओं ने घर कर लिया है, उन मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो देश की वेल्थ को क्रिएट करता है, जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी, अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी। और इसलिए वेल्थ क्रिएशन ये भी हमारे जैसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अहमियत रखता है और उसको भी हमने आगे ले जाना है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करने में लगे हैं, मेरे लिए वे भी हमारे देश की वेल्थ है, उनका सम्मान, उनका गौरव इसको नई ताकत देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम विकास के साथ शांति और सुरक्षा वो उसका अनिवार्य पहलू है। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू है। दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है, दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है, और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंकी घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है।
बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कितनी बड़ी दर्दनाक बातें हैं। और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान, चार दिन के बाद वो अपने आजादी का जश्न मनाएगा और ये आजादी उनका 100वां साल है। मैं आज लाल किले से अफगानिस्तान के मेरे मित्रों को जब 100वीं आजादी का उत्सव मनाने जा रहे हैं चार दिन के बाद, मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आतंक और हिंसा का माहौल बनाने वालों को